हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लिनक्स ट्यूटोरियल के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू chmod कमांड का यूज़ करते हैं। अगर आप chmod कमांड के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो उसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो chmod कमांड के ऊपर बना रखी है, आप उसे जाके देखें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या फिर आई बटन में दे दिया है। उसके बाद आप इस वीडियो पर आएँ तो आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आएगी। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन में हम कुछ नंबर्स असाइन करते हैं हर परमिशन के लिए। जैसे रीड के लिए हमने कोई नंबर असाइन कर दिया, राइट परमिशन के लिए हमने कोई नंबर असाइन कर दिया, एग्जीक्यूट परमिशन के लिए हमने कोई नंबर असाइन कर दिया। इस तरह सभी परमिशन के लिए हम कोई नंबर असाइन कर देते हैं और उन्हीं के कॉम्बिनेशन के साथ हम अपने ग्रुप्स, यूज़र या फिर जो भी अदर्स होते हैं उनके अलावा बचे हुए होते हैं उनको परमिशन असाइन करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सी परमिशन के लिए क्या नंबर असाइन होता है। देखिए, अगर आप किसी यूज़र या ग्रुप या अदर्स को, उनके अलावा जो भी हैं उनको, अगर आप कोई परमिशन नहीं देना चाहते तो आप सीधा ज़ीरो लिख देंगे, कोई परमिशन नहीं मिलेगी, सारी परमिशन हट जाएगी। जैसे अगर आप ग्रुप्स के लिए सभी परमिशंस को हटाना चाहते हैं तो आप ज़ीरो लिख देंगे और सभी परमिशंस हट जाएंगी। अगर आप सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन देना चाहते हैं ग्रुप को या फिर अदर्स को तो आप वन लिख देंगे और सभी उसे सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन मिलेगी। इसी तरह राइट के लिए टू, और राइट एंड एग्जीक्यूट के लिए हमारे पास है थ्री। क्यों? देखिए, एग्जीक्यूट की परमिशन के लिए हमारे पास वन है और राइट के लिए टू है, तो वन प्लस टू थ्री। तो अगर आप राइट और एग्जीक्यूट दोनों परमिशन देना चाहते हैं तो हमें थ्री लिखना होगा, और अगर हम खाली रीड की परमिशन देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फोर लिखना पड़ेगा। रीड एंड एग्जीक्यूट देना चाहते हैं तो फाइव, क्योंकि फोर और वन, फोर प्लस वन इक्वल टू फाइव, ठीक है। रीड एंड राइट तो सिक्स, अगर हम सभी परमिशन देना चाहते हैं तो सेवन। देखिए, इसे हम ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एट नंबर्स यूज हो रहे हैं। यहाँ पे ज़ीरो से लेकर सेवन तक हम यूज़ कर रहे हैं और ये एट नंबर्स हैं, यहाँ पर एट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बाइनरी के थ्रू देखें तो हम ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है जो बाइनरी की, उसके अंदर हम सिर्फ ज़ीरो से सेवन तक वैल्यूज़ ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन के बारे में जानते होंगे तो आप समझ गए होंगे, नहीं जानते तो अभी कोई वो ज़रूरी नहीं है उसके बारे में जानना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सी परमिशन के लिए कौन सी वैल्यू हम असाइन करते हैं। तो चलिए अब दोबारा अपने टर्मिनल पर आ जाते हैं। पहले हम क्या करते थे कि किसी को भी अगर हमें परमिशन कोई असाइन करनी है यूज़र को तो हम लिख देते यूज़र, और यूज़र के लिए जो परमिशन है वो लिख देते थे। मान लीजिए, हाँ, पहले डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास फाइल्स हैं, ये देखिए हमारे पास तीन फाइल हैं, और ये जो पहला पार्ट होता है यहाँ पे रीड राइट और एग्जीक्यूट, ये ऑनर के लिए होता है, जो फाइल का ऑनर होता है यूज़र, एक्चुअल यूज़र जो होता है। सेकंड पार्ट होता है उस ग्रुप के लिए जिसमें वो यूज़र बिलोंग कर रहा है, और लास्ट में अदर्स, मतलब जो बचे हुए हैं, ठीक है। इससे पहले हम क्या करते थे, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन से पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम लिखते थे chmod कमांड, और मान लीजिए हम यूज़र को सभी परमिशन देना चाहते हैं, फुल परमिशन देना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे रीड राइट एग्जीक्यूट कॉमा। अब अगर हम चाहते हैं, अब हम फाइल का नाम देते हैं फाइल वन डॉट टी एक्स टी और एंटर प्रेस कर देते हैं, और अब हम चेक करेंगे। ये देखिए, पहला पार्ट जो है वो फाइल का जो एक्चुअल यूज़र है, जो ऑनर है, उसके लिए होता है। तो देखिए, जो यूज़र की परमिशंस है वो चेंज हो गई है, पहले सिर्फ रीड और राइट की परमिशन थी, अब रीड राइट एग्जीक्यूट हो गई है। इसी तरीके से हम चाहें तो यहाँ पे कॉमा लगाकर ग्रुप्स के लिए भी दे सकते हैं, ग्रुप के लिए जी इक्वल टू रीड, और हम एग्जीक्यूट देना चाहते हैं तो रीड और एग्जीक्यूट कॉमा, अदर्स के लिए रीड हम लिख देते हैं राइट और एग्जीक्यूट लिख देते हैं, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देते हैं। और उसके बाद चेक करते हैं परमिशंस को, तो देखिए परमिशन जो हमने यहाँ पे दी थी वही परमिशंस यहाँ पे आ गई। अगर हम यही काम करना चाहते हैं ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे chmod, और मान लीजिए यहाँ पे पहले परमिशन क्या थी, रीड राइट ऑनर के लिए, और ग्रुप के लिए खाली रीड, और अदर्स के लिए भी रीड। तो हम क्या देना चाहते हैं,
सबसे पहले आता है हमारा यूजर। तो यूजर को हम क्या परमिशन देना चाहते हैं, रीड और राइट। रीड और राइट के लिए क्या था हमारे पास, ये देखिए रीड एंड राइट के लिए हमारे पास है सिक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिक्स फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद एक सिर्फ रीड ग्रुप के लिए, रीड के लिए किया हमारे पास फोर और फिर फोर, क्योंकि रीड परमिशन के लिए हम फोर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं फाइल का नाम, फाइल वन डॉट टी एक्स टी और एंटर। और अब चेक करते हैं परमिशंस, ये देखिए परमिशंस चेंज हो गई हैं। देखिए अगर आप, हमने जो यहाँ पे परमिशंस दी हैं, अगर आप यही परमिशन देखना देना चाहते हो दोबारा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए रीड राइट एग्जीक्यूट, आप तीनों परमिशंस देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एग्जीक्यूट के लिए वन, राइट के लिए टू और रीड के लिए फोर। तो रीड फोर प्लस टू प्लस वन सेवन, तो रीड राइट एग्जीक्यूट के लिए हमारे पास है सेवन, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेवन। अब हमारे पास है रीड और एग्जीक्यूट, तो रीड और एग्जीक्यूट के लिए क्या है हमारे पास फाइव, हम लिखेंगे फाइव। और राइट और एग्जीक्यूट के लिए क्या है हमारे पास थ्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे थ्री, ठीक है। और अब एंटर प्रेस कर देंगे और देखिए परमिशंस चेंज हो गई हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए परमिशंस चेंज हो गई हैं, जो परमिशन हम चाहते थे, जो यहाँ परमिशन हमने दी थी यूज़र ग्रुप और अदर्स को, वही परमिशन यहाँ पे मिल गई हैं। और इन फाइल्स पर ये जो हम चेंजेस कर रहे हैं परमिशंस का, इन परमिशन के चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये जानने के लिए भी आप मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको chmod कमांड को समझने में बहुत आसानी होगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी वीडियो। तो इस तरीके से हम chmod कमांड को यूज़ कर सकते हैं ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन की मदद से। देखिए ये जो यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, इनके बारे में मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको और बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप बाइनरी लैंग्वेज जानते हैं, बाइनरी काउंटिंग जानते हैं, तो आप मेरी बात को और अच्छे समझ जाएंगे और आसानी से समझ जाएंगे, और नहीं भी जानते होंगे तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो आप समझ ही जाएंगे। जैसे रीड राइट एग्जीक्यूट, हमारे पास तीन परमिशन होती हैं, तो अगर हम रीड देना चाहते हैं तो वन, राइट के लिए वन और एग्जीक्यूट के लिए वन। अगर हम सिर्फ रीड देना, सिर्फ एग्जीक्यूट देना चाहते हैं तो ज़ीरो ज़ीरो वन, ठीक है। और ये है हमारा वन। अगर हम सिर्फ राइट देना चाहते हैं तो ज़ीरो वन ज़ीरो, और ये है हमारा टू। अगर हम राइट और एग्जीक्यूट दोनों देना चाहते हैं तो हम लिखेंगे ज़ीरो वन वन, और ये हमारा थ्री। अगर हम सिर्फ रीड की परमिशन देना चाहते हैं तो वन, सॉरी वन ज़ीरो ज़ीरो, और ये हमारा फोर। अगर हम रीड और एग्जीक्यूट देना चाहते हैं तो वन ज़ीरो वन, और ये हमारा फाइव। रीड और राइट के लिए वन वन ज़ीरो, ये है हमारा सिक्स। और रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों के लिए, सबसे ऊपर वैसे दे ही रखा है, ये हमारा सेवन, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे रीड है वहाँ पे रीड में वन लिखा हुआ है, और जहाँ पे राइट है वहाँ पे राइट में वन लिखा है। राइट और एग्जीक्यूट दोनों वन चाहते हैं तो दोनों में वन लिखा है, रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों चाहते हैं तो तीनों में वन लिखा है। और अगर आप बाइनरी काउंटिंग जानते होंगे तो आप जानते होंगे कि बाइनरी के अंदर यही तरीका है, ज़ीरो ज़ीरो वन वन, ज़ीरो 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 वन ज़ीरो टू, वन ज़ीरो वन फाइव, ट्रिपल वन सेवन, न्यूमेरिकल काउंटिंग को लिखने का यही तरीका है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो नंबर्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और कोई परमिशन नहीं देना चाहते तो ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये कहाँ से आई है ये परमिशंस, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।